प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। और आज जो हम सीखेंगे, आज सीखेंगे क्रो पोज, कि जो क्रो पोज है हमारा, या बकासन जिसको बोलते हैं, उसे कैसे करते हैं, उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसके प्री प्रैक्टिसेस क्या है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते शुरू करते हैं। तो जो हमारा बकासन है, बकासन होता है हमारा इस प्रकार कि हमारे हाथ नीचे और हमारे पैर जो जमीन से ऊपर होते हैं वो पूरे लिफ्ट होते हैं और को नज़दीक रहते हैं हमारे हिप्स के। तो ये होता है हमारा क्रो पोज। तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो सबसे पहले तो हमारी जो हम जमीन पे जो हमारे हथेलियाँ रखी जाती हैं और हमारी उंगलियाँ जो रखी जाती है जमीन पे, तो सबसे ज़रूरी तो होता है कि हमारी उंगलियों की पकड़ और हमारी हथेली की पकड़ जमीन पर कितनी मजबूत है। तो उस वो एक तो होता है कि हमारी मजबूती बहुत ज़्यादा है, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इजीली उसको अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बैलेंस बना सकते हैं, नंबर एक तो बात ये है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो सरफेस है, अगर हमारा सरफेस स्लिपरी है तो फिर हम किसी भी स्थिति में बैलेंस बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर एक तो बात है कि जो हमारा सरफेस है जिस पे हम उसको परफॉर्म करना है आसन को, वो जो हमारा सरफेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा हाथ स्लिप ना हो, ईजिली स्लिप ना हो। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है हाथों के ऊपर आएगा, और अगर वो स्लिपरी होगा तो हमारा हाथ स्लिप कर जाएगा ईजिली। अगर स्लिप कर जाएगा तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उससे क्या होगा कि इंजरी आ सकती है। तो नंबर एक बात कि मैट स्लिपरी ना हो जाता। नंबर दूसरी बात, हमारी जो रिस्ट है, हमारी रिस्ट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मीन्स क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर हमारी रिस्ट पे और इस भाग पर ही आएगा ज़्यादा ज़्यादा। बैलेंस बनाने के लिए हमारी उंगलियाँ काम करेंगी, लेकिन हमारा जितना भी प्रेशर आएगा वो पूरा का पूरा हमारी आर्म्स के इस आर्म्स पर आएगा और साथ में इतने पोर्शन पर आएगा लगभग, और हल्का सा बैलेंस बनाने के लिए हमारा थंब काम करेगा। तो हमारी हमारे मतलब हमारी जो रिस्ट है उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें मजबूती होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो चीज़ें, अब मजबूती बढ़ाने के लिए क्या करें कि हमें अपने हाथों को मजबूत करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले आप कई एक्सरसाइज हैं, आप चतुरंगा दंडासन होल्ड कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, जैसे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं उसको, उससे भी आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बताता हूँ, उसकी वो इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये इस आसन की कंडीशनिंग करता है, इस आसन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प भी करता है। क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी हाथों की सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये पर्टिकुलर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा जो हमें क्रो पोज को लिफ्ट करने के लिए चाहिए उस मसल्स को। तो क्या करेंगे, अपने हाथों को रखेंगे ऐसे, और हाथों को रखने के बाद क्या करेंगे, अपने जो हमारे हमारे घुटने हैं, हमारी नी है, उसको एल्बो से नीचे लगाना है, एल्बो से नीचे ऐसे, ये सेम दूसरी साइड। तो जब दोनों साइड से लग जाएगा, और ध्यान रखना है कि ना तो हमें इसको ऊपर रखना है और ना हमें इसको बीच में रखना है, हमें इसको फोर आर्म पे रखना है, बिल्कुल फोर आर्म के पास। तो क्या करेंगे, ऐसे ये लिफ्ट करेंगे और ये। तो इसमें क्या होगा कि लिफ्ट करते हुए जिस मसल्स का हमारा इस्तेमाल होता है, वही मसल्स इसमें यूज़ करते हुए जब इसको हम लिफ्ट कर अपनी बॉडी को हल्का सा लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं फ्रंट की साइड में, आगे की साइड में, तो वही पर्टिकुलर मसल्स जो है हमारे जो क्रो पोज में काम करती है वही यहाँ काम करें, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, वो इजिली इस चीज़ को फिर लिफ्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो नंबर एक ये एक हो गया। अब एक चीज़ और है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कई बार हम करते हुए, तो क्या करें, एक ना लाइन ऐसे लाइन खींच दो एक, और जो हमारा ये जो पोर्शन है दोनों हाथों का, उस लाइन के ऊपर रखो। ऐसा ना हो कि ये हाथ पीछे हो और ये हाथ हल्का सा आगे हो जाए, या ये हाथ आगे और ये हाथ पीछे हो जाए, ना ऐसा ना, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हमारे दोनों के दोनों हाथ एक एक लाइन में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। उससे क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस पड़ता है, या बॉडी जो हमारी वेट मतलब जो हमारे हाथ जो वेट लेंगे वो इक्वल वेट लेंगे, इक्वली ट्रांसफर दोनों के दोनों हाथों पे इक्वली ट्रांसफर वेट होगा, किसी पे ज़्यादा या किसी पे कम नहीं होगा। अगर हल्का सा भी एंगल चेंज हो जाएगा, या हल्का सा भी उनकी हल्का सा भी गैप या हल्की सी भी दूरी बढ़ जाएगी, किसी की भी हाथ आगे पीछे हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो हाथ आगे बढ़ जाएगा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा, उसकी मसल्स ब्रेक डाउन हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, अपने दोनों हाथों को एक एक स्ट्रेट लाइन में इक्वली ट्रांसफर इक्वली रखें दोनों को। तो दो तीन चीज़ें हो गई। अब क्या करें, सबसे पहले अब अपने घुटने को अपने हाथों के ऊपर ऐसे खड़े हों, और अपने घुटने को
बिल्कुल आर्मपिट में रखें। अब आर्मपिट में तो ऐसे जाएगा नहीं, तो क्या करें हल्का सा अपनी एडी को लिफ्ट कर दें ईजली, और इतना करें यहाँ होल्ड करें कुछ समय के लिए। आप इसको यहाँ होल्ड करेंगे तो ये भी एक, और हल्का हल्का पुश करेंगे फ्रंट की साइड में वापस वापस वापस। फिर इसके बाद क्या करें, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, अगर आप कभी योगा नहीं करते, आप बहुत कम योगा परफॉर्म करते हैं और आप एडवांस में नहीं गए, आप बेसिक योगा करते हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर आपको बॉडी को लिफ्ट करना है तो क्या करें, अपने ट्राइसेप्स के ऊपर अपने घुटनों को रखें ऐसे इजी, दोनों घुटने ट्राइसेप्स पे रखें और फिर इजी वैसे उठाने की कोशिश करें और इतने पे होल्ड कर लें आप, अगर आप नए हैं तो क्या करें, ट्राइसेप्स पे रखा एंड देन लिफ्ट एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। तो ये अगर आप बेसिक में हैं, आप नए हैं, अभी आपने शुरू किया है या आप करते हैं हल्का हल्का लेकिन आप एडवांस में नहीं पहुँचे, तो इतना तो आपके लिए था। पहले स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई, पकड़ मजबूत की, उसके बाद आपने क्या किया, अपनी कोर को लिफ्ट किया और अपनी थाई मसल्स को खोला पूरा और अपने हाथों को आर्मपिट में रखने की कोशिश करी। साथ ही साथ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया, आपने ट्राइसेप्स पे अपने पैर को रख करके और बॉडी को हल्का सा लिफ्ट किया, उसको बैलेंस बनाने की कोशिश की, तो आप उसके बाद एक नई एडवांस स्टेज में पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद क्या करें, जो पहले से आसन करते हैं काफ़ी ठीक ठाक करते हैं लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग के पोस्चर्स में उनको दिक्कत होती है, लेकिन उनकी कोर मसल्स और उनकी थाई मसल्स सारी खुली हुई हैं, तो उनके लिए कैसे, उनके लिए क्या करना है, तो उनको क्या करना है, अब यहीं से हाथ यहाँ रखा था, हाथ यहीं रखें और उसके बाद धीरे धीरे पहले एक पैर को उठाएं और बैलेंस बनाने की कोशिश करें वापस, फिर दूसरा पैर उठाएं वापस। तो इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार हमें 20 या 30 टाइम्स करना है दोनों पैरों से। उसके बाद बॉडी को स्ट्रेंथ, बॉडी को क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, जब बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद इजली हाथ, हमारी उंगलियां खुली, हमारी रिस्ट मजबूत, हमारे पैर आर्मपिट में लगे हुए और इजी हल्का सा क्या करेंगे, अपनी जो एल्बो है हमारी, एल्बो को हल्का सा बैंड कर देंगे, हल्का सा डाउन कर देंगे। जैसे ही आप उसको हल्का सा बैंड करेंगे तो आपकी ग्रिप बन जाएगी और आपको बॉडी लिफ्ट करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो करें हल्का सा बैंड और इतना भी स्टार्टिंग में इतना भी चल जाएगा आपका, फिर धीरे से अप, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। और उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद अपनी रिस्ट को थोड़ा सा रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काउंटर पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मसल्स ब्रेकडाउन हो सकती हैं। तो करने से पहले भी इनको मसल्स को ऐसे हल्के हल्के स्ट्रेंथनिंग करें और करने के बाद भी इनको हल्का हल्का सा रोटेशन दें, इनको रिलैक्स कराएं और उसके बाद डेली यही अभ्यास करें कंटिन्यू। तो विद इन 2 to 3 weeks आपका ये इजीली हो जाएगा और आप इसको बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।